सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ 4 AM इन द मॉर्निंग। जी हाँ, अभी हो रही सुबह के 4 बजे और जस्ट अभी मैं उठ चुका हूँ। और इतना जल्दी उठने का क्या रीज़न था, कहाँ मैं जाने वाला, सारा कुछ आपको वीडियो में देखने मिलेगी। तो फटाफट से चलते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाने वाला है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल जो कि आपने देखा सुबह से, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से टाटा के लिए। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा जब काम जाऊँगा मैं आपको बताऊँगा रास्ते में। तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ जस्ट यहाँ से टाटा जो 80 किलोमीटर है। तो मैंने लगभग आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। हमारे घर से टोटल ये पड़ती है 130 से 140 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस जो है हमारे घर से। तो बस अभी यहाँ पर है, थोड़ा बहुत रुके हम लोग, क्यों ना ब्लॉग को आगे स्टार्ट किए। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं इसमें, तो ये दाजी वाला गाड़ी में हम लोग निकले हैं, मैं और दाजी, देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से फटाफट जाते हैं और थोड़ी यहाँ से 80 किलोमीटर, 80 से 85 किलोमीटर शायद होगी, तो जाते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ वेट करते हैं आपसे। तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ रुके थे थोड़ी बहुत नाश्ता के लिए, अब देख पा रही है दुकान है। तो जस्ट यहाँ पर हम लोगों ने एक चॉप खाया जो कि बंगाल का बहुत ज़्यादा फेमस है। फिलहाल अभी हम लोग पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ही है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चांडिल, और चांडिल से फिर निकलेंगे आगे हम लोग डिमना चौक जो कि जमशेदपुर में। बाकी अब सारी बैग देख पा रहे हैं, दोनों बैग यहाँ पर लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा स्पेस मिली है जिस कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी नहीं हुई जाने में। सो गाइस, जस्ट अभी हम लोग टाटा घुसने वाले हैं, यहाँ से और 10 किलोमीटर बाकी है। और जो रोड है पूरा घाटी वाला रोड है, जहाँ से आए हम लोग पूरी की पूरी घाटी वाला रोड। और आप चेहरा का हालत देख पा रहे हो, इतनी ज़्यादा खराब होगी क्योंकि जैसे हम लगता है घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो फिलहाल अभी एक जगह रुके थे हम लोग थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के लिए, आप देख पा रहे ये रोड है पूरा जाती है वहीं पर। तो चलिए यहाँ से पानी वगैरह थोड़ा बहुत पीते हैं, फिर निकलते आगे की ओर हम लोग। सो अभी मैं पहुंच चुका हूं जहां मुझे पहुंचना था, यहां मैं टाटा आया हूं। एक मेरी दादी रहती है उन्हीं के यहां, तो जो कि है टाटा का जो बारीडी जगह, बस बारीडी पे ही है। तो जस्ट यहीं पर हम लोग आए, एक्चुअली उनका न्यू घर बना, तो जस्ट घर का पूजा है, तो वही फंक्शन में हम लोग अटेंड होने के लिए आए हैं, मैं और दादाजी, जैसे कि आपने देखा। तो फिलहाल मैं वो टाटा जमशेदपुर पे, जैसे कि आपको पता चली है, तो यहाँ पर कुछ दिन रहना है, अभी 3 दिन चला रहना है। यहाँ पर मेरा दीदी का भी घर है जस्ट आगे में साक्षी के पास, तो वहाँ भी जाना है और थोड़ी बहुत इधर घूमना भी है। सारे व्लॉग आपको इसके बाद मिलती जाएगी, तो बने रहे चैनल पर। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी फिलहाल टाइम हो रही है 6:30 और यहाँ का मौसम जो काफ़ी ज़्यादा सुहावना कर दिया है। मतलब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बारिश गिरी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और अभी फिलहाल मौसम बहुत ज़्यादा सही है। मतलब दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताया जाए, बट अभी बिल्कुल सही है। तो फिलहाल मैं आ गया यहाँ छत पर क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सही लग रही है। और ये इलाका जो पूरा पहाड़ी इलाका है, जमशेदपुर का जो पहाड़ी इलाका है, बस उसी में है, तो काफ़ी ज़्यादा सही आ रही है। बट गर्मी भी वैसे ही थी, बट अभी सही लग रहा है, अभी और ज़्यादा ठंडी है, पानी गिर गई तो और अच्छी लग रही है। तो शाम को यहाँ पर फंक्शन है, जो भी खाना पीना वगैरह सब कुछ होगा, तो हो सके तो मैं उसको शूट करके दिखाऊंगा आपको, तो हो सकता है बने रहिए वीडियो पे।